हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे गोवा के लास्ट व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं वापस अपने प्यारे उत्तराखंड को और हम ये निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। और थोड़ी देर का सफ़र करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए डबलिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ पे कुछ देर बाहर खड़े होते हैं, हमको रियलाइज़ हुआ कि हमारी फ़्लाइट को अभी बहुत टाइम है। तो हम सोचने लगे कि हम क्या करें, तो थोड़ी देर बाहर घूमने के बाद हम चले गए अंदर और अंदर की चीज़ों को अच्छे से एग्जामिन करने लगे। और फिर कुछ देर बोर होने के बाद हम लोग चले गए फालतू के टाइम पास करने के लिए और पूरा एयरपोर्ट का विजिट करने के लिए। तो देखते देखते हमें क्या दिखा, हमें दिखा कि यहाँ एक प्यारा सा मॉडल है एयरपोर्ट का। तो हम उसको थोड़ी देर देखे और फिर देखा कि आखिर ये मॉडल बनाया किसने होगा। और फिर हम चले गए मिलने किसी स्पेशल से और वो थे गांधी जी। तो गांधी जी से कुछ देर मिले और फिर हमने देखा कि वो बिज़ी हैं चरखा चलाने में। तो हमने सोचा क्या ही उनको डिस्टर्ब किया जाए, तो हम आगे को बढ़ गए। और आगे जाते ही देखा कि अरे गांधी जी तो यहाँ पहुँच गए हैं। तो हमने सोचा इनको क्या ही डिस्टर्ब करें और हम कुछ तो अलग करते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि अब हम चले जाते हैं कहाँ। तो अब हमने डिसाइड किया कि हम चले आते हैं यहाँ। तो हम पहुँच गए खाना खाने के लिए। तो हम दोनों ने एयरपोर्ट में करा फटाफट अपना खाना ख़त्म और फिर दिखाए अपने शूज़, फिर से करने लगे इंतज़ार अपनी फ़्लाइट का। ओ आखिरकार हमारा बोर्डिंग पास हमको मिल गया और हम निकल पड़े अपनी फ़्लाइट की ओर। तो फाइनली हमारी फ़्लाइट में बैठने का टाइम आ चुका था और हम ये निकल गए नीचे की ओर। बहुत देर का इंतज़ार करने के बाद हम फाइनली उत्तराखंड को आ रहे थे और हम बहुत ज़्यादा खुश थे अपने शहर आने के लिए। और ये हम फ्लाइट में बैठ गए हैं और अभी फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी है। ये सब सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यूं ही बाहर के नज़ारों का आनंद उठाते हुए देखो कि मतलब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बातों बातों में पता नहीं चला कि कब खाना आ गया। तो ये है मेरा वेज और इनका नॉन वेज। तो मान दो बड़े एक्साइटेड है, तो मैं दिखा दूँ इसके अंदर क्या है। इसके अंदर सैंडविच, रियल जूस और वेज रोल। और अब खाना फिनिश करने के बाद मैंने कुछ देर ली नज़ारों का आनंद। कब देखते देखते 2 घंटे निकले और पता ही नहीं चला और हम पहुंच गए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अब हो रहा था रात का 1 और फटाफट हम लोगों ने अपना बैगेज लिया और निकल पड़े एयरपोर्ट से। और एयरपोर्ट से निकलते ही हम फटाफट गए रेलवे स्टेशन क्योंकि हमारी ट्रेन थी और हमको हमारी ट्रेन मिल गई। भागते दौड़ते हमने अपनी ट्रेन आखिरकार पकड़ी ली, मुझे बहुत भगाया। और हम अपनी ट्रेन में बैठ के वापसी कर रहे थे हल्द्वानी की ओर। और बस मेरे खद्दू महाराज तो फिर से खाने के लिए बैठ गए और अभी इनकी कॉफ़ी स्टार्ट हो गई है। पहले ये कॉफ़ी फिनिश करेंगे और मैं उठाऊंगी बाहर के नज़ारों का आनंद। तो ये हरियाली देख के तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, काफ़ी दिनों बाद ये सब चीज़ें नज़र आ रही थी। और देखते देखते ये क्या, ओहो हो हो, लोग तो घोड़े बेच के सो गए हैं। तो सोचा क्यों ना कुछ देर मैं भी सो जाऊँ, लेकिन मैं ना केवल सोचती रह गई, सो ना सो कि बाहर के नज़ारे देखूं। और तभी मैं देखती हूँ कि हम तो हल्द्वानी पहुँच गए। ओफो मैं सो भी नहीं पाई, कितना अफसोस है मुझे कि मैं सो भी नहीं पाई और बगल वाले लोगों ने इतनी लंबी नींद निकाल ली। बट इट्स ओके, कोई नहीं, फाइनली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं हल्द्वानी पहुँच चुकी हूँ। और अब मान को तो देख ही सकते हो वो कितना एक्साइटेड है। तो फटाफट से हम उतरे और हमें भैया लेने आया था। और यहाँ देखो परशुराम चौक में कितनी ज़्यादा ट्रैफिक लगी हुई है। तो चलो ट्रैफिक से जैसे तैसे तो हम निकल ही गए, लेकिन अब क्या हुआ, घर पहुँचते ही हमने देखा कि हमारी चाबी मिसप्लेस हो गई है। शिट,